बॉलर नेम धन्यवाद दा मुरली जी सूरज राणे सदाशिवगढ़ पांच सिक्स मल्ला रहा क्या नाम मल्ला कशी मल्ला कशी मल्ला तीन ओवर भीतर तीन ओवर मैच ने पांच सिक्स मल्ला डालते हैं तीन पांच रुपए पांच रुपए कौन डाला सूरज राणे सदाशिवगढ़ पहली गेंद यहां पर योगेश के लिए एक सुनहरा मौका योगेश नाई के लिए योगेश नाई के लिए एक सुनहरा मौका अगर पांच छक्के मारते हैं तो 500 रुपए का इनाम रखा है सूरज राणे सदाशिवगढ़ योगेश के लिए एक सुनहरा मौका अगर 5 छक्के मारते हैं अपने इस इनिंग में तो 500 रुपए का इनाम रखा है सूरज सदाशिवगढ़ फिर एक बार दो दिशाहीन गेंद अच्छी गेंद वहां पर कुल मिला के 2 रन पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाजी का भार संभाला है मुरली स्ट्राइक पर है अमित 2 उच्च स्तर के बल्लेबाज वेद मोटर्स के फिलहाल अच्छी गेंद हल्के हाथों से गिरा उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर 1 रन लेने से नहीं रोक सके इस 1 रन के बदौलत टीम का कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन कुल 3 ओवर का मैच स्ट्राइक पर है योगेश नाइक क्या अपनी टीम के लिए उस मुकाम तक पहुंचा दे है कुल 35-40 रनों का लक्ष्य यहां पर खड़ा करना होगा पहली बार सामना करेंगे योगेश उठाकर मारने की कोशिश मगर संपर्क अच्छा नहीं मगर एक मौका था उसे गवाया और एक मौका इस 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन लाल मैच प्रगति पर है वेद मोटर्स बनाम टीम रामनाथ 11 के बीच में फिलहाल रामनाथ 11 ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला और आमंत्रित किया है वेद मोटर्स को बल्लेबाजी करने का आने वाले 3 ओवर में कितना रन बटोर पाती है टीम वेद मोटर्स फिलहाल स्ट्राइक पर है अमित अगली गेंद मुरली अच्छी गेंद ऊपर गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात और एक मौका था उसे अपने दोनों हाथों से स्वीकारा और बल्लेबाज को दिखाया पवेलियन का रास्ता इसके साथ पहला धक्का लगता हुआ टीम वेद मोटर्स को आई रिक्वेस्ट मयूर फ्रॉम राणे वॉरियर्स द मैन ऑफ द मैच बिटवीन मराठा टाइगर्स एंड राणे वॉरियर्स आई रिक्वेस्ट मयूर टू कम नियर द पोडियम बैट्समैन नेम नॉन स्ट्राइकर कृपेश धन्यवाद स्ट्राइक पर है योगेश नाइक लंबे कद के खिलाड़ी उच्च स्तर के फिर एक बार अच्छी गेंद थी ऊंचे हल्के हाथों से खेला 1 रन लेने से नहीं रोक सके इस 1 रन के बदौलत टीम का कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन ये पहला ओवर प्रगति पर The man of the match for the last match, Mr. Mayur, receives the man of the match from Deepak Gaonkar and Prakash Naik. Mr. Mayur, you are online. Thank you, guests. Well played, Mayur. Back to the commentary team.
एक ओवर समाप्ति के बाद दो बहुमूल्य विकेट खोकर बनाए हैं, 5 रन। ये दूसरा ओवर खुद कप्तान मनोज देसाई, सामना करेंगे योगेश नाइक। नए बल्लेबाज सुनील राणे, खुद कप्तान स्ट्राइक पर नाइक। मनोज अपनी की पहली गेंद, सामना करेंगे योगेश। अच्छी गेंद वहां पर, कुछ समझ नहीं सके, हल्के हाथों से खेला, एक रन तो निश्चित रूप से। दूसरा रन लेने की कोशिश और 2 रन मुकम्मल। इस 2 रन के बदौलत टीम का कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। ये दूसरा ओवर प्रगति पर, कुल 3 ओवर का एक इनिंग रहेगा। सामना करेंगे योगेश। योगेश को यहाँ पर लंबे लंबे छक्के लगाने होंगे, जाने जाते हैं उस कद के खिलाड़ी है। फिर एक बार सामना करेंगे, अच्छी गेंद ऊपर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर, 2 रन लेने से नहीं रोक सके। इस 2 रन के बदौलत टीम का कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी मनोज द्वारा, मनोज एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं, उसी तरह की अभी तक गेंदबाजी की है मनोज देसाई। सामना करेंगे योगेश नाइक, अच्छी गेंद, फिर एक बार बेहतरीन गेंद वहां पर बांध के रखा है योगेश को मनोज ने। जितने अच्छे बल्लेबाज है योगेश, उतने ही अच्छे गेंदबाज है मनोज देसाई। इससे 1 रन के बदौलत टीम का कुल स्कोर आगे उड़ता 10 रन। ये दूसरा ओवर प्रगति पर, फिलहाल स्ट्राइक पर है सुनील, पहली बार सामना करेंगे मनोज का। ये दूसरा ओवर प्रगति पर, यहां से रफ्तार पकड़नी होगी वेद मोटर्स को। फिर एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ शॉट, 1 रन तो निश्चित रूप से मिलेगा। इस 1 रन के बदौलत टीम का कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। ये दूसरा ओवर प्रगति पर, स्ट्राइक पर है योगेश। फिर एक बार लेग साइड की दिशा में घुमाया है और एक बेहतरीन छक्का, ये पहला छक्का निकलता हुआ इस मैच का योगेश नाइक। इस छक्के के बदौलत टीम का कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी योगेश को, जिस प्रकार के बल्लेबाज है, छक्कों की बारिश करनी होगी योगेश नाइक को। फिलहाल शुरुआत तो की है, अगली गेंद मनोज जानते हैं वापसी करना, उस कद के गेंदबाज है। अगली गेंद मनोज किस प्रकार की गेंद डालेंगे, सामना करेंगे योगेश नाइक। फिर एक बार बेहतरीन गेंद वहां पर, अच्छी वापसी। मैंने पहले कहा था जितने अच्छे बल्लेबाज योगेश है, उतने अच्छी गेंदबाज मनोज है। अच्छी वापसी, हालांकि एक छक्का खा चुके थे, उस छक्के के बाद एक रन। इस 1 रन के बदौलत टीम का कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। ये दूसरा ओवर, 2 ओवर मुकम्मल, यानी कि कुल 6 गेंद शेष। अभी तक अच्छी गेंदबाजी बांध के रखा है योगेश जैसे बल्लेबाज को रामनाथ 11 के गेंदबाजों ने। फिलहाल आखिरी ओवर, 6 गेंद शेष, अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी है, नापितुली गेंदबाजी जानी जाती है, दोनों ही टीम उच्च स्तर के खिलाड़ी में। फिलहाल स्ट्राइक पर है योगेश नाइक। मैं योगेश को एक और बार याद दिलाना चाहूंगा, सूरज राणे सदाशिवगढ़ ने, सूरज राणे सदाशिवगढ़, उन्होंने योगेश नाइक के लिए 5 छक्के मारे तो 500 रुपए का इनाम रखा है। हालांकि 1 छक्का मार चुके हैं और 6 गेंद में 4 छक्के मारने होंगे। फिलहाल काबिलियत तो बहुत है इस खिलाड़ी। फिर एक बार उठाकर माना चाहते हैं, मगर कोई संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा वाइड। इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन, कुल 6 गेंद शेष। योगेश को एक सुनहरा मौका और 4 छक्के, टीम चाहेगी 6 गेंदों में 6 छक्के मारे, क्योंकि बहुत बार एक कारनामा किया है योगेश नाइक ने, 6 गेंद में 6 छक्के मार चुके। फिलहाल ऊपर गेंद, फील्डर नीचे, मगर एक मौका
योगेश जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ना यानी खतरे से कम नहीं, कुल 5 गेंद शेष, अभी तक अच्छी गेंदबाजी विजय कुमार द्वारा, फिलहाल स्ट्राइक पर है योगेश नाइक, एक छक्का मारकर तैनात, 21 रन। अगली गेंद विजय कुमार सामना करेंगे योगेश, फिर एक बार उठाकर मारना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, कोणाली कारीची चावी हिंगा मेळील असा, कॉमेंट्री बॉक्सान असा, कोणाकडे कोणाली चावी फोर व्हीलरची आमच्याकडे नसा, येऊन घेऊन व्हायची चावी हिंगा असा फोर व्हीलरची, येऊन घेऊन व्हायची। इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा टीम शिवगन योद्धा बनाम टीम माथुरा फार्म्स के बीच में। मैं दोनों ही कप्तान से गुजारिश करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द टॉस करने के लिए कॉम बॉक्स में आए। अगला मैच खेला जाएगा शिवगन योद्धा बनाम टीम मथुरा फार्म्स के बीच में। मैं दोनों ही कप्तानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द टॉस करने के लिए कॉम बॉक्स में आए, क्योंकि इस मैच के बाद और दो लीग मैच खेलना बाकी। साथ ही योगेश का विकेट मिलता हुआ रामनाथ इलेवन को, अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी रामनाथ इलेवन के खिलाड़ियों से, ये आखिरी ओवर प्रगति पर योगेश के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम पहली बार सामना करेंगे सुनील, बेहतरीन शॉट वहां पर लॉन्ग रीजन में और एक बेहतरीन छक्का निकलता हुआ सुनील राणे के बल्ले से। इस छक्के के बदौलत टीम का कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन और दो छक्का यानी कि और दो हिट लगाना चाहेगी टीम वेद मोटर्स, क्योंकि कम से कम 35-40 रन का लक्ष्य खड़ा करना चाहेगी। फिलहाल उसी इरादे से फिर एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला शॉट, फील्डर तैनात, आसान सा मौका और उसे अपने दोनों हाथों से स्वीकारा कप्तान मनोज देसाई ने। सुनील के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम अच्छी गेंदबाजी विजय कुमार, बल्लेबाज सामना करेंगे लंबे कद के खिलाड़ी, फिर एक बार उठाकर माना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। इसके साथ 3 ओवर समाप्ति यानी कि लक्ष्य रखा है 29 रनों का। यहां पर फिर एक बार बताना चाहूंगा टॉस रामनाथ इलेवन ने जीत कर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया था और आमंत्रित किया था टीम वेद मोटर्स को बल्लेबाजी करने का। नतीजे पर लक्ष्य खड़ा कर चुकी है वेद मोटर्स, 29 रनों का लक्ष्य यहां पर रामनाथ इलेवन के सामने। इस मैच के बाद अगला मैच मैं एक और बार मथुरा फार्म्स के कप्तान करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द टॉस करने के लिए कॉम्बॉक्स में। अगला मैच खेला जाएगा टीम शिवगन योद्धा बनाम टीम मथुरा फार्म्स के बीच में। शिवगन योद्धा के कप्तान यहां पर है, कमी है सिर्फ मथुरा फार्म्स के कप्तान की। लक्ष्य रखा है 29 रनों का, पहली बार इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है कोंकण मराठा प्रीमियर लीग, इस तरह से हमारे इधर पहली बार ऑक्शन यानी कि बड़े बड़े खिलाड़ी ऑक्शन में आए थे और 8 टीमें इस टूर्नामेंट एक ट्रॉफी के लिए मशक्कत करती हुई, अभी टूर्नामेंट बेहतरीन रूप से चलता हुआ। अगला मैच खेला जाएगा टीम शिवगन योद्धा बनाम टीम मथुरा फार्म्स के बीच में। शिवगन योद्धा के कप्तान यहां पर मौजूद, कमी है सिर्फ मथुरा फार्म
के कप्तान की। लक्ष्य रखा है 29 रनों का। इस मैच के बाद और दो लीग मैच खेलना बाकी। रामनाथ 11 के दो दुआदार बल्लेबाज रामनाथ और मुरली, दोनों ही उच्च स्तर के बल्लेबाज। यहां पर लक्ष्य रखा है 29 रनों का। रामनाथ एक ऐसे खिलाड़ी है जो एक बार अगला मैच खेला जाएगा। मैं मथुरा फार्म के कप्तान से गुजारिश करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द टॉस करने के लिए कॉम बॉक्स में आए। मथुरा फार्म के कप्तान डीजे आवाज स्लो कर। मैं मथुरा फार्म के कप्तान से गुजारिश करता हूं कि बार बार टॉस करने के लिए कॉम बॉक्स में आए। मथुरा फार्म के कप्तान स्ट्राइक पर है मुरली, नॉन स्ट्राइक पर है रामनाथ। फिर गेंदबाज का संभाला है सुनील राणे, खुद कप्तान। अच्छी गेंदबाजी, लक्ष्य रखा है 29 रनों का। सामना करेंगे रामनाथ, लक्ष्य रखा है 29 रनों का। फिर एक बार अच्छी गेंद और क्लीन बोल्ड, बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए सुनील राणे और रामनाथ को दिखाया पवेलियन का रास्ता। मथुरा फार्म के कप्तान टॉस करने के लिए जल्द से जल्द कॉम बॉक्स के नीचे आए। रामनाथ के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत एक ऐसे खिलाड़ी है जो लंबे लंबे छक्के लगाना जानते हैं, मगर इस टूर्नामेंट में उनका अब तक बल्ला नहीं चला है। फिलहाल यहाँ पर इस मैच में अपना दमखम लगाना होगा लक्ष्मीकांत को। फिलहाल सुनील पहली गेंद में उठाकर मारा है, फील्डर तैनात और एक और धक्का लगता हुआ टीम रामनाथ 11 को। बेहतरीन शुरुआत की है अभी तक वेद मोटर्स ने, दो सफलता अब तक प्राप्त कर चुकी है। पहला ओवर प्रगति पर, लक्ष्य रखा है 29 रनों का। सुनील राणे के लिए एक सुनहरा मौका, अगर इस ओवर में 3 सफलता लेते हैं तो ₹500 का इनाम रखा है मंजू नाइक हुलगा। सुनील राणे के लिए एक सुनहरा मौका, 3 विकेट लगाते हैं तो ₹500 का इनाम रखा है मंजू नाइक हुलगा ने, और उसी प्रकार का इनाम सुनील राणे के लिए सूरज राणे ने रखा है
तीन विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम, और इसी के साथ दो इनाम यानी कि तीन विकेट ले चुके हैं और दो इनाम प्राप्त कर चुके हैं। सूरज राणे ने 500 रुपए का इनाम रखा था और मंजू नाइक उलगा इन्होंने भी 500 रुपए का इनाम रखा था। दोनों ही इनाम अपने नाम कर चुके, तीन सफलता। खुद कप्तान, हालांकि मैं बताना चाहूंगा पहला मैच अपने बलबूते पर जिताया था सुनील राणे। खुद कप्तान ने बेहतरीन गेंदबाजी, उच्च स्तर के ऑलराउंडर माने जाते हैं, उसी प्रकार का यहां पर क्रिकेट आज दिखाते हुए खुद कप्तान। अगले बल्लेबाज बैट्समैन नेम सुनील, धन्यवाद। मेरे साथी कमेंटेटर अगली आवाज सुनिए श्री जेपी जी। धन्यवाद प्रसाद। इस तरह एक रन का इजाफा, इस एक रन के साथ टीम का कुल स्कोर है 2 रन। फ्लैश स्ट्राइक पर है इस वक्त कृष्णकांत के और नॉ स्ट्राइक पर, अरे यहां पर क्लीन बोल्ड, और एक विकेट यहां पर, क्या कहना इस गेंदबाज के बारे में, जितना अनुभव है आज पूरा अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 4 विकेट हासिल किए यहां पर सुनील ने। जिस तरह उसका नाम है उसी का परचम लहराते हुए यहां पर एक उच्च कोटि के गेंदबाज से इसी प्रकार की उम्मीदें रहते हैं और आज खरे उतरते हुए अपने टीम के लिए। फिलहाल गेंदबाजी का भार संभालेंगे बॉलर नेम कृपेश, कृपेश का सामना करेंगे इस वक्त सुनील। फिर एक बार बेहतरीन शॉट, गेंद जा रही है फील्डर के हाथ में, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सुनील को। इस एक रन के साथ टीम का कुल स्कोर है 3 रन 4 विकेट। फिर एक बार कृपेश, फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट की रीजन में, फील्डर तैनात यानी कि सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ टीम का कुल स्कोर है 4 रन। लक्ष्य है इस वक्त 29 रनों का यानी कि 29 रनों का, कुल 3 ओवर का ये मैच। फिर एक बार उछाल कर पा रहा है, देख रहा होगा फील्डर तैनात वहां पर, लेकिन दर्शक बन के रह गया। इस चौके के साथ टीम का कुल स्कोर है 8 रन। कृपेश थोड़े से महंगे साबित होते हुए, फिर एक बार रहता है नाथ कृपेश, नागराज कोणतरी ये याद नहीं आती।
फिर एक बार इस तरह और एक धक्का यहां पर रामनाथ इलेवन को। फिलहाल नए बल्लेबाज मनोज धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए, काफी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है वेद मोटर्स के द्वारा। आज के टूर्नामेंट की फेवरेट टीम रही है, अब तक दो मुकाबले जीत कर रही, तीसरा मुकाबला जीतना चाहते हैं। फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी कृपेश द्वारा, जितनी तारीफ की जाए दोनों गेंदबाज की उतनी कम है। हालांकि सुनील ने एक बेहतरीन नींव रखी थी अपनी गेंदबाजी से। टीम का कुल स्कोर है 9 रन। बचे हुए आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। हालांकि लक्ष्य तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ऐसे कई बार बनते देखे हमने। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, तो दोनों को ठान लेना होगा कि जीत बना के रखेंगे। अगर पहली हार मान लेंगे तो निश्चित रूप से हार ही हो जाएगी। फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, बॉलर नेम दर्शन। ये काफी बेहतरीन सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है दर्शन द्वारा। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस गेंदबाज की, अपने बेसिक्स पर कायम है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। उनको पता है जो भी करना है बल्लेबाज करेगा, अपना लाइन और लेंथ मेंटेन रखते हुए एक उच्च कोटि की गेंदबाजी दर्शन द्वारा। फिर एक बार उछाल का मारा, देखना होगा फील्डर तैनात वहां पर, निश्चित रूप से चौका। आशीष के बल्ले से निकलता हुआ, इस चौके के साथ टीम का कुल स्कोर है 13 रन। अभी भी 16 रनों की जरूरत। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, इसे एक अतिरिक्त के साथ टीम का कुल स्कोर है 14 रन। अभी भी 15 रनों की जरूरत बची हुई कुछ गेंदों में। निश्चित रूप से एक बड़े हिट की उम्मीद है। आंख बंद करके खेला था ये शॉट, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, एक डॉट बॉल निकालने में कामयाब इस डॉट गेंद के साथ। वेद मोटर्स जीत की तरफ बढ़ता हुआ। फिर एक बार ऊंचा उठा, देखना होगा निश्चित रूप से। और इस तरह वेद मोटर्स ने ये मैच जीत के लगातार तीसरी जीत हासिल की। उन्होंने 3 मैचों में 3 लगातार जीत हासिल करते हुए वेद मोटर्स ने निश्चित रूप से अपना कारवा आगे लेके जा चुके हैं। मैं सुनील को वेद मोटर्स के सुनील को थोड़े से कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने आज हैट्रिक बनाई थी और सूरज राणे ने 500 रुपए का इनाम दिया है उनको, वो आके कलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। वेद मोटर्स के सुनील,
सुनील राणे हेलो हेलो प्रणाम में बेस्ट थी वेद मोटर्स वन रामनाथ लेवन वेद मोटर्स मारे हां रामनाथ लेवन The man of the match, Suraj Rane, the match between Ramnath Levan and Ved Motors. I request Okay, there is an additional amount from Manjunath Naik of rupees 500 for the three wickets.